प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आए दिन जन विरोधी फैसले जनता पर थोपने से गुरेज नहीं कर रही है। युवा नेता ने कहा कि जहां आज पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में केंद्र व प्रदेश सरकार को चाहिए था कि आम जनमानस को राहत दी जाए, पर यह सरकार उसके विपरीत फैसले ले रही है जिससे आम जनमानस का जीना दुश्वार हो गया है। आशीष ठाकुर ने कहा कि पिछले कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 25% बसों के किराए में बढ़ोतरी की है उसका युवा कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार उभर कर सामने आई है जिसने अपने 2 वर्ष और 7 महीने के कार्यकाल में बसों के किराए में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। युवा नेता ने कहा कि अगर सरकार बस ऑपरेटरों को राहत देने की सोच रही थी तो क्यों नहीं सरकार ने डीजल के ऊपर से टैक्स दर कम कर दी। आज भारत पूरे विश्व में इकलौता देश है जहाँ सबसे ज्यादा यानी की 69% टैक्स तेल के ऊपर आम जनता से वसूला जा रहा है जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। भारत सरकार 20 रुपए प्रति लीटर की दर से कच्चा तेल आयात कर रही है और 80 रुपए के हिसाब से आम लोगों को मुहैया करवा रही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि ऑपरेटरों के रोड टैक्स में वो कटौती करते ताकि आम जनता को आर्थिक बोझ न झेलना पड़ता। धरना प्रदर्शन के बाद आशीष ठाकुर के नेतृत्व में युवाओं ने एडीएम बिलासपुर बिने दीवान से मुलाकात की और उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि वो खुद इस मसले में हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें कि जल्द से जल्द बसों के किराए की वृद्धि के निर्णय को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हें ये बताया गया था, उनके बारे में बताया गया था कि वो एक गरीब घर से संबंध रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार के उन्होंने ये सरकार आज ले रही है उससे वो सीधा सीधा गरीब लोगों के जेब के ऊपर एक टाका डाल रही है। मेरा युवा कांग्रेस के माध्यम से समस्त हिमाचल वासियों की तरफ से जयराम सरकार से ये मेरा दरख्वास्त है और हम आज अपने डीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो तेल के जो बसों की कीमतें जो किराए की कीमतें बढ़ाई गई हैं उन्हें जल्द से जल्द लोगों के भलाई के लिए उन्हें नीचे लिया जाए। कि संवेदित है कि 2 दिन पहले जो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आदेश जारी किए हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बसों का किराया है उसमें 25% की वृद्धि की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय में जब लोगों को राहत देनी चाहिए थी तो ऐसे समय में क्या उन्होंने बसों का किराया बढ़ाकर जो आम जनता है उनके साथ अन्याय नहीं किया। हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मांग है कि अगर वो हमारे ऑपरेटर भाइयों को राहत देना चाहते हैं तो जो रोड टैक्स है उसको कम किया जाए, साथ के साथ जो आज के समय में जो कच्चा तेल है उसका जो मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पर बैरल पड़ रहा है वो भारतवर्ष की जो करेंसी है उसके हिसाब से 3,057 रुपए पर बैरल के हिसाब से पड़ रहा है, जिसके हिसाब से पर लीटर की जो औसतन जो मूल्य है वो 19.56 रुपए पड़ रहा है। पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है जो हमारी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है उन्होंने वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो टैक्स है तेल के ऊपर 69% वो हमारी केंद्र की सरकार